लास्ट लेक्चर है वर्ब एवर सेकंड। ये असल में एक एप्लीकेशन है एस इलाका, सही है? ये क्या लगता है, ये हमें ये जो हीट ऑफ आयनाइजेशन है या लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, हम हीट ऑफ या जो लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स है उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। इसकी एक डेफिनेशन इस तरह है कि जो सम ऑफ द आर वैल्यूज, सम ऑफ आर द एंथैल्पी चेंजेस इज इक्वल टू जीरो और ये स्पेसिफिक जो है फॉर आयनिक कंपाउंड्स के लिए, फॉर फ्यूजिंग द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और इसको दो सिद्धांतों ने इसको डिस्कस किया है। मैक्स बोर जो कि जर्मन फिजिसिस्ट था और एक और जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज एबर ने इस पे काम किया है। इसी के हवाले से फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले हमारे पास से रिपोर्ट किया हम लैटिस एनर्जी ऑफ एनी स्फीयर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, सही? कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ एनी स्फीयर, जिसके भी एक डायरेक्ट मेथड होगा और एक इनडायरेक्ट मेथड होगा। डायरेक्ट मेथड क्या है कि वन मोल ऑफ सोडियम कंबाइंस विद हाफ मोल ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस वन मोल ऑफ NaCl। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ NaCl इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। पहले भी पढ़े, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज -411 किलोजूल पर मोल। फॉर एग्जांपल व्हेन मैं Na को डायरेक्ट में जाने कि सॉलिड Na को मैं क्या करूं क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाऊं तो उसमें से एक मोल क्लोरीन इस्तेमाल होगा, एक मोल क्लोरीन बच जाएगा और इससे बन जाएगा मेरे पास क्या, एक मोल NaCl का बन जाएगा। और इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो क्या होगी, अगर मैं स्टैंडर्डाइज करूँ तो मैं स्टैंडर्डाइज भी कर सकता हूँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है ये क्या होगा -411 किलोजूल पर मोल। एक मोल क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं होगा, ये इसका डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले क्या होगा, इनडायरेक्ट मेथड को अगर आप देखोगे सो लैटिस एनर्जी ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट, सही? हम इसको डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से इसकी लैटिस एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इट कैन बी डिटरमाइंड इनडायरेक्टली बाय मींस ऑफ एन एनर्जी साइकिल बिकॉज एन आयनिक कंपाउंड इज दो टू बी फॉर्मड इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। आयनिक कंपाउंड है एक सीरीज ऑफ स्टेप्स के बाद बनेगी, सही? वो किस तरह, सबसे पहले Na है ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल Na इनडायरेक्ट मेथड Na इन अ सॉलिड स्टेट व्हेन कंबाइंड विद वन और टू Cl इट गिव्स दिस NaCl विद कैरिंग अ वैलेंस, सी ये क्या होता है। अच्छा जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, सही है, वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले आयंस बनेंगे, क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन और या इसको मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ कि मेरे पास एक क्लोराइड आयन एक मोल मिला। अभी ये कंबाइन हो जाएंगे और क्या करेंगे, हमें क्या देंगे, जब कंबाइन हो जाएंगे तो इससे हीट निकलेगी, सही? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह सकता हूँ कि
इस तरह का कि हमारे पास NaCl बनेगा, NaCl बनेगा, लेकिन स्टेप वाइज बनेगा, सही? किस तरह स्टेप वाइज बनेगा? अच्छा ये पॉजिटिव एचएफ फॉर्मेशन और ये नेगेटिव डबल नेगेटिव एचएफ फॉर्मेशन इस तरह से सही। और दूसरी साइड पे अगर आप देखो क्लोरीन की तरफ ये पॉजिटिव उसके अपोजिट डैश फॉर्मेशन डेल एच फॉर्मेशन और डेल एच लिक्विफिकेशन एंड माइनस डेल एच लिक्विफिकेशन पॉजिटिव डेल एच लिक्विफिकेशन होगी और ये नेगेटिव कंप्लीट एनर्जी साइकिल कार्बन साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सबसे पहले क्या होगा कि सोडियम जो है अगर सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में? Na जो है वो सॉलिड फॉर्म में, सबसे पहले इसको हमने क्या करना होगा, इसको गैसियस फॉर्म में लाना होगा। किसमें? गैसियस फॉर्म में लाना होगा Na विद गैसियस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में लाना होगा। इसको हमने डेरिवेटिव टी या फिर इसका नाम दिया डेरिवेटिव का नाम दिया है, डेरिवेटिव फॉर्मेशन का नाम दिया है किसमें जो डायरेक्ट है वो किसके लिए? फॉर एवरेजेशन एनर्जी के लिए, ताकि उसको मैं किस फॉर्म में ले आऊं? आयन फॉर्म में ले आऊं, क्लियर? इस फॉर्म में। और दूसरी बात, क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो प्लस क्लोरीन की अगर मैं बात करूं Cl2 की, सबसे पहले 1 और 2 Cl2, ठीक है, 1 और 2 Cl2, इसको सबसे पहले मैंने क्या करना है, एटम की फॉर्म में गैस क्लोरीन की फॉर्म में, सिर्फ क्लोरीन गैस की फॉर्म में ला रहा है, नहीं एटॉमिक फॉर्म में, क्लोरीन गैस की फॉर्म में ला रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में ले आऊंगा। फिर इस वक्त भी कोई हीट चेंज मैं मुझे महसूस होगी, फिर Cl से इसको मैं किस फॉर्म में ले आऊंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ ले जाऊंगा, इसी तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेंज इन एंथैल्पी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे ई एक मीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो मेरे पास जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन जाएगा Cl माइनस। अब इस Na ये आयन और ये आयन ये मिल जाएंगे और बना देंगे क्या, बना देंगे प्रोडक्ट, सही है, Na Cl सॉलिड फॉर्म, इस फॉर्म में Na Cl सॉलिड फॉर्म में बना देंगे। इसको मैं इस फॉर्म से लगा कर लिखूंगा कि मैं इसको इस तरह से बोल दूंगा डेल एच फॉर एस आई स्पेशल में इस तरह से इस या कंडेंसेशन डिफ्यूजन या कंडेंसेशन का इस्तेमाल कर सोलिडिफिकेशन भी इसके लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वी कैन कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl विद हेल्प ऑफ 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स की बदौलत हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर वन, पहला क्या होगा कि 1 मोल ऑफ सॉलिड
सोडियम इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सोडियम वेपर्स। पहले इसको गैस में कन्वर्ट करना होगा, पहला स्टेप की बात करें सही है, पहला स्टेप में इसका इसका सब्लिमेशन, इसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें एनर्जी आप लोगों को लगाना होगा। देन जाती आप सब्लिमेशन फॉर दिस इज 107.7 किलो जूल पर मोल। यहां पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, यहां पे आप कितना चैलेंज कितना दे रहा हूं, पॉजिटिव 107.5 पॉइंट है, दूसरी फॉर्म में क्या कर लेंगे, आयनाइज कर लेंगे। 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस आर ऑब्टेन्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सोडियम एटम्स, इट इज आल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन फॉर सोडियम इज 496 किलोजूल पर मोल। ये जो एनर्जी होगी ये पे कितना होगा, ये भी पॉजिटिव 496 किलोजूल पर मोल होगा। ठीक है, ये दोनों पहला स्टेप में हमने कितना एनर्जी हमें रिक्वायर थी, कितना हीट 107.7 किलोजूल पर मोल, और दूसरे में मुझे दूसरे स्टेप में आयनाइजेशन स्टेप में मुझे मजीद क्या चाहिए, 8496 किलोजूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स आर ऑब्टेन बाय द डिफ्यूजन ऑफ हाफ मोल ऑफ क्लोरीन इनटू क्लोरीन एटम, इसकी एक इट इज आल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये जो तीसरा ये एक प्रोसेस है, इट इज आल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में लेने के लिए मैं इसको क्या कह सकता हूं, डिफ्यूजनिंग थर्मल वेपराइजेशन के तौर से एनएच वे। ये कितना होगा, ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल है प्लस 121.7 किलोजूल पर मोल, ये एनर्जी है थर्ड स्टेप में, ये थर्ड स्टेप सही है। इसमें मुझे प्लस 121.7 किलोजूल लगाना होगा पर मोल क्लोरीन को, क्लोरीन मॉलिक्यूल से इस फॉर्म में एटॉमिक फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में लाने के लिए, उसकी एटम को गैसियस फॉर्म में लाने के लिए। नंबर 4, 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन आर फॉर्म, चौथे प्रोसेस में इस क्लोरीन में से क्या होगा, क्लोराइड आयन बनेगी। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और इस वक्त द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन फॉर क्लोरीन इज -3.349। इस स्टेप में मुझे कितना एनर्जी निकालना होगा, 349 किलोजूल पर मोल, मतलब सिस्टम से निकलेगी सही, क्योंकि चौथा प्रोसेस जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और यहां से -349 किलोजूल पर मोल यहां से हीट निकलेगी। पांचवा स्टेप, 1 मोल ऑफ सोलर सोडियम क्लोराइड इस बार, फिर पांचवा स्टेप ये है कि NaCl बनेगा, इस वक्त भी हीट जो है वो रिलीज होगी। ये आप अभी आप लोगों ने मालूम करना होगा सही, सोलिड ऑफ क्लोराइड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अभी ये जो लैटिस जो एनर्जी हमें रिलीज होना रिलीज होगा, इसको फिर हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। सो वी कैन डिटरमाइन, अभी इस लैटिस एनर्जी को हमने मालूम कर ली है, मालूम करना है, तो इसके लिए आप लोगों को इन सारों की समेशन चाहिए सही। तो आप कह सकते हो डेरेज ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप सही, डेरेज ऑफ फर्स्ट स्टेप, डेरेज नॉट फॉर फर्स्ट प्लस डेरेज नॉट फॉर सेकेंड प्लस डेरेज नॉट फॉर थर्ड स्टेप प्लस डेल एच नॉट फॉर फोर्थ स्टेप सी एंड प्लस फाइव सॉरी डेल एच नॉट फाइव स्टेप सी। इन सारों को समझ कर लेंगे तो आपके पास बीटा फॉर्मेशन जो है वो कितना आएगा। अगर डायरेक्ट मेथड से आप लोगों को मैंने कहा डायरेक्ट मेथड से कितना आएगा, डायरेक्ट मेथड से आप लोगों को पता है कि ये कितना है, -4 इसका बीटा फॉर्मेशन है -4 1 किलोजूल पर मोल, इज इक्वल टू पहले स्टेप में कितना था,
स्टेप वाले का तो आपके पास आएगा 107.7। दूसरी स्टेप का कितना है? दूसरी स्टेप का है 49। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव 496। थर्ड का है प्लस, थर्ड का है 121.5। फोर्थ का था प्लस, फिर माइनस में था माइनस 349। और पांचवा जो है आप लोगों ने मालूम करना है, जो क्या कह जाएगा टीचर फॉर्मेशन कह जाएगा, टीचर सॉरी इंडक्टिव एनर्जी कहलाएगी पांचवा स्टेप, जिसको हमने मालूम करनी है। और यही जो है, यही स्टेप जो है, यही स्टेप की जो एनर्जी है उसे फिर हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव एनर्जी बोलेंगे। अभी आप इसको हल कर लोगे तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा माइनस 411, माइनस 411 के लिए जो फार्मूला, ये जो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हमें इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 376.0 के लिए जो पर मोल प्लस एच। इन सब सब करोगे सम और माइनस करोगे तो आपके पास कितना रिजल्ट आ जाएगा। अभी आप लोगों ने बैलेंस 5 मालूम करनी है तो आप इसको उस तरफ ले जाओगे तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा, निकल बैलेंस 5 is equal to आपके पास माइनस 4 स्क्वायर, जिस ध्यान में छोड़ देना इस 376 को इस तरफ ले जाना, ठीक है? आप लोगों ने इसको मालूम कर लिया, आपके पास आ जाएगा माइनस 376.0। इसकी रिजल्ट आ जाएगा व्हाट, अगर आप देखें तो इसकी रिजल्ट आ जाएगा माइनस 787.4 किलो, राइट 4 किलो जो आ जाएगी, ये जो होगा ये डेल एच 5 कहलाएगी, या फिर इसको हम लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl कहते हैं। सो द लैटिस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड इन द इन द सेम वे, से इसी तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला स्टेप में आपने हर रिएक्टेंट को आप क्या करना है, एटमाइजेशन, एटमाइजेशन में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, सही है, सारों को एलोथर्मिक प्रोसेस का। फिर थर्ड स्टेप क्लोरीन मॉलिक्यूल को हमने क्लोरीन एटॉमिक गैस फॉर्म में लाना है, ए भी पॉजिटिव स्टेप में, जिससे इससे फिर क्या करेंगे, अगर क्लोरीन को हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी एनर्जी रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन एड होती हुई, तो वो फिर नेगेटिव, या फिर क्या होगी, क्या कह सकते हो आप इसको माइनस 349 के जो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इससे आप इसकी डेल एच फाइनल या फिर इसकी फाइव स्टेप वाली डायलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोगों को इसी हवाले से एक सवाल है कि आप लोगों के पास कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ के बी आर, फिर इसके बाद हम मतलब कर लेंगे, सही आप लोगों ने एक सवाल है, आप लोगों ने इसी तरह से मालूम किया स्टेप वाइज ही कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ के बी आर, इसको आप लोगों ने मालूम करना है। पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में के बी आर फॉर्मेशन में आपको के बी आर फॉर्मेशन के लिए जो हीट है कितनी होगी, वो होगी माइनस 39.3। ये पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप है जिसे हम डायरेक्ट स्टेप भी कहते हैं, सही। दूसरा स्टेप ये है कि हीट ऑफ सब्लिमेशन फॉर पोटेशियम, पोटेशियम एटम बनाने तक या उससे आगे उसको पोटेशियम एटम बनाते हैं जो कि कहते हैं प्रोसेस है, उसके लिए हमारे हमें 89 किलोजूल चाहिए फॉर सब्लिमेशन ऑफ पोटेशियम, हमें हीट चाहिए उतने 89 किलोजूल पर मोल। तीसरा स्टेप क्या होगा, इसमें द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉर पोटेशियम, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर पोटेशियम ये भी कह देते हैं ऑफ पोटेशियम के, ये कितना है हम होनी चाहिए, सही ये कितना होगा, ये होगा 419 किलोजूल। सारे पहला पॉइंट माइनस में, बाकी दोनों पॉजिटिव, सही वैल्यूज है। फोर्थ स्टेप में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर ब्रोमीन, ब्रोमीन को एटम बनाने के लिए भी आप क्या चाहिए, फॉर एटमाइजेशन ऑफ
रोमी आपको उसको भी एक्चुअल काम कराने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को एक जनरल सर्विस प्रोसेस से गुजरना होगा, उसके लिए इतना जो आपको मोड क्या चाहिए इमेज चाहिए। नंबर फिफ्थ ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, सी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन, इसके लिए फिर एक चीज मिलती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और उसको अगर हीट कितना निकलेगा -3.4 kJ पर मोल निकलेगी जब ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन बन जाएगा। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, इससे आप लोगों ने